हेलो बच्चों, तो हम ये बात करने जा रहे हैं टारगेट का। और टारगेट का जो है आज अल्कीन का फर्स्ट लेक्चर बात करेंगे। तो इस तरह से आप लोग को इस तरह अल्कीन जो है सो बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनिक संभलेगा नहीं। थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं, एक रिएक्शन तैयार हैं, तो चलिए बोलिए। लिंडलर्स कैटालिस्ट क्या कहते हैं? PDBSO4, जिसमें अल्काइन कन्वर्ट हो गया था, अल्काइन कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन में। तो इस तरह से आप बार बार क्या करें, रिवाइज करते रहें। तो चलिए हम बात करते हैं अल्कीन्स। इस अल्कीन्स को ओलिफिन्स के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से अल्केन को हम लोग किस नाम से जाने थे, पैराफिन्स के नाम से जाने थे, उसी तरह से अल्कीन को ओलिफिन्स कहा जाता है। इसका कारण है जो ये जो अल्कीन का जो लोअर मेंबर है, लोअर मेंबर मतलब इथीन, C2H4 रिएक्ट विथ Cl2 टू गिव वाइली प्रोडक्ट, इसीलिए इसका नाम ओलिफिन्स रख दिया गया। ये अल्कीन को ओलिफिन कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन करने के बाद क्या देता है, वाइली प्रोडक्ट, तेल जैसा प्रोडक्ट देता है। तो इसको हम लोग ओलिफिन्स के नाम से जानते हैं। ये पहले देख चुके हैं, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का बात करें, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, सबसे पहला बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन करने से अल्कीन बनता है। डिहाइड्रेशन, इस डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2O। जहां कहीं भी H2O का रिमूव हो तो उस प्रोसेस को हम कह देंगे डिहाइड्रेशन। जहां CO2 का रिमूव हो उसको नाम रखे थे डीकार्बोऑक्सीलेशन। तो अल्कोहल को डिहाइड्रेशन कराने से अल्कीन में बदल जाता है। ये अल्कोहल H डिहाइड्रेशन कराया जाए तो मिलेगा अल्कीन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, H और OH रिमूव हो जाएगा। ये इलिमिनेशन रिएक्शन है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, इलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये अपने आप तो रिमूव होगा नहीं। यदि ऐसा होता जो अल्कोहल से अपने आप ये अल्कीन में बदल जाता, तब तो अल्कोहल का कोई अस्तित्व रहता ही नहीं। तो इस OH को हटाने के लिए, या यूं कहें H2O को हटाने के लिए, जिस बाहरी एजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा उसको ही हम लोग किस नाम से जानेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। वे क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाएगा। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। CONK2SO4, P2O5, H3PO3, Al2O3, ये सब का सब एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब वाटर को
रिमूव करने वाला एजेंट है। तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं, जो किस तरह से इमेजिनेशन किया गया है। यदि हम लोग अल्कोहल लें, OH, और यहाँ पे CONC2SO4 इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में यदि एसिड इस्तेमाल किया जाए तो आपको समझना होगा जो वहां हमको H प्लस मिल रहा है। CONC2SO4 का मतलब जानते हैं, जो H2SO4 का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा, ये H प्लस वहां अटैक करेगा जहां लॉन पेयर हो, जहां निगेटिव चार्ज हो, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन यहां पे देता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनेशन, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, एक H पहले से एक H और, इस तरह से ये प्रोटोनेट हो गया, और प्रोटोनेट होने के बाद अब ये अपने आप में एक स्टेबल हो गया, H2O बन करके रिलीज हो सकता है। जैसे ही ये रिलीज होगा तो यहाँ पे ये कार्बोनियम आयन बन गया, ये क्या बन गया, कार्बोनियम आयन। और यदि कार्बोनियम आयन किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में हो तो यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं, जो रीअरेंजमेंट का घटना संभव है। तो यहाँ पे ये जो स्टेप देख रहे हैं, ये RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो H प्लस, तो HSO4 माइनस में टूटा होगा, HSO4 माइनस में टूटा होगा, ये HSO4 माइनस, ये जो HSO4 माइनस है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही ये HSO4 माइनस है, और जब माइनस ये प्लस के नज़दीक जा, एच के नज़दीक जा रहा है, तो प्लस बन के निकलेगा, यानी क्या मिल जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। अब जब H2SO4 बन जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो इस तरह से यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों रीअरेंज हो जाएगा, और रीअरेंज हो करके क्या बन गया, अल्कीन बन गया। समझ गए, ये जो स्टेप होता है भी बहुत ही क्या होता है, फास्ट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये कौन सा मैकेनिज्म से प्रोसीड किया, तो E1 मैकेनिज्म से, E1 एलिमिनेशन, क्योंकि E1 एलिमिनेशन यहाँ कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। यदि हम लोग इथेनॉल पे, ये इथेनॉल है, इथेनॉल पे H2SO4 का इस्तेमाल करें कैटालिटिक अमाउंट में, और दूसरा है एक्सेस अमाउंट में, टेम्परेचर दोनों का डिफरेंस है, ये 140 डिग्री है और ये 170 डिग्री, यानी ये टेम्परेचर ज़्यादा और ये टेम्परेचर ज़्यादा और ये टेम्परेचर कम। तो यदि टेम्परेचर कम हो तो उस समय इथर बनेगा, और यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उस समय अल्कीन बनेगा। यानी यहाँ जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को कह देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग कह देंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म समझ लें, जो एक्सेस अमाउंट में क्या होता है और कैटालिटिक अमाउंट में क्या होता है। तो यदि हम पहले एक्सेस का बात करते हैं, इन केस ऑफ एक्सेस H2SO4, तो H2SO4
का मकसद है जो जहां कहीं भी किसी भी रिएक्शन में H2SO4 है तो H प्लस और HSO4 माइनस मिलेगा। अब ये जो इथेनॉल है OH, यहां पे ये लोन पेयर, तो H प्लस ये प्रोटोनेट हुआ और प्रोटोनेट हुआ तो CH3 ये H2O बन करके रिलीज हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यदि एक्सेस है तो जितने भी अल्कोहल है वे सब का सब प्रोटोनेट हो जाएगा, नतीजा होगा जो सभी में कार्बोनियम आयन बनेगा। और जैसे ही कार्बोनियम आयन बनेगा तो हम लोग देख चुके हैं जो सेकेंड टाइम में HSO4 माइनस ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और अटैक करके H2SO4 रिलीज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा CH2। जो इसे पहले समझाए जो HSO4 H पर अटैक करेगा H2O, तो एक्सेस रहने से क्या होता है, तो एक्सेस के कारण ऑल अल्कोहल प्रोटोनेटेड, जितने भी अल्कोहल है वे सब का सब क्या हो जाता है प्रोटोनेट हो जाता है, ऑल अल्कोहल प्रोटोनेटेड, सबका सब क्या हो जाता है प्रोटोनेटेड हो जाता है। अब देखते हैं जो कैटालिटिक अमाउंट में क्या ऐसा होता है जो ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इस बार क्या है, ये H2SO4 कैटालिटिक अमाउंट में है, इसका अमाउंट मिनिमम है और जो मिनिमम यदि है तो यहां पे कुछ अल्कोहल प्रोटोनेट हो गया, ये प्रोटोनेट हो गया तो OH2 ये प्लस बन गया। तो कुछ केस में ये जैसे ही प्रोटोनेट हो गया, और कुछ केस में क्या होगा, ये जो कैटायन बना उस कैटायन के साथ, समझ गए कैटायन कैसे बना जो पहले दिखा दिए, जैसे यहां से रिलीज हुआ, चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, जो ये रिलीज हुआ H2O बन करके और CH2 ये प्लस बन गया। अब ये जो HSO4 माइनस है, या यूं कहें जो यदि हम अरेंज कर लेंगे तो CH2OSO3H, तो यदि इस तरह का सिचुएशन है और दूसरी जगह ये प्रोटोनेट है, तो ये जो पार्ट है ये इस पर जाकर के क्या कर देता है, अटैक कर देता है, क्योंकि यहां एक गुड लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप, आसानी से ये हट जाता है। अब जैसे ही अटैक करता है तो उस सिचुएशन में ये CH3 CH2 OH सॉरी यहां OH होगा अल्कोहल, जैसे ही अटैक किया तो CH3 ये तो रिलीज हो गया HSO4, और यहां पे ये प्लस ये रिलीज हो करके C2H5 बन गया, मतलब ये किसका प्रिपरेशन हो गया, ईथर का। तो जरे दिमाग में आपको टेंशन नहीं लेना है, जो जैसे ही कैटालिटिक अमाउंट कहा जाए तो हमको जितने कार्बन रहेगा उसका ईथर बना देंगे, और यदि एक्सेस रहेगा तो अल्कीन बना देंगे, और कुछ ना दिया जाए तो समझना है एक्सेस है। ठीक, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब डायरेक्ट हम टू द पॉइंट चलते हैं, इस तरह से अल्कोहल दिया हुआ है H प्लस और हीट का साइन, क्या प्रोडक्ट बनेगा ये देखना है। तो ना कुछ कहा जाए तो हम समझेंगे जो एक्सेस
एच प्लस है, यानी एसिड है, एच प्लस मतलब एसिड। अब ये जो OH है ये प्रोटोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और जैसे ही प्रोवाइड होगा तो इस तरह से CH2 OH2 ये प्लस, अब यहां से ये रिलीज होगा, और जैसे ही रिलीज होगा ये प्लस बन गया, और यदि प्लस बन जाए तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट, और जब रीअरेंजमेंट होगा ऐसा होगा, ये कार्बोनियम आयन का 1-2 शिफ्टिंग, ये CH3 माइनस बन करके अटैच हो जाएगा यहां पे। अब जब रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो कितने सिचुएशन है प्रोडक्ट बनने का, इस प्लस से बगल में हाइड्रोजन, ये दोनों का दोनों सेम, तो एक प्रोडक्ट इस तरह से, या तो यहां से या यहां से, और दूसरा प्रोडक्ट इस साइड से, अब इस दोनों में डिटरमाइन करना है जो कौन मेजर बनेगा और कौन माइनर बनेगा। मेजर और माइनर किसी न किसी रूल पे होगा, तो इसका डिटरमिनेशन हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा, ये डिहाइड्रेशन के लिए जो कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा इसका जो निर्णय है, ये इससे पहले कहीं हम बात किए हैं डिहाइड्रेशन के लिए, उसी रूल के आधार पे आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट करना होगा। याद है नहीं याद है, कभी बात किए थे शटजक रूल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा शटजक्स, और इसको यदि कहें तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये मेजर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा माइनर। ये मेजर इसलिए जो इस डबल बॉन्ड से कम हाइड्रोजन है, केवल एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन इस डबल बॉन्ड से दो हाइड्रोजन है, इसको मोर सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे और इसको लेस सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे। तो इस तरह से जैसे ही हम लोगों को इस पे ये यूज किया जाए तो ये कॉन्सेप्ट समझा दिए जो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, फिर एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट, तो पहले आप लोग इसको वीडियो को पहले नोट कीजिए, और नोट करने के बाद वीडियो को पॉज करके अपने से पहले ट्राई कीजिए, समझ गए, और ट्राई करने के बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। कर रहे हैं ऐसा, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दे उसको फॉलो करना है। चलिए अब देखिए, ये नहीं जो फटाफट देखने लगिएगा, हम सामने में नहीं आए तो इसका फायदा मत उठाने लगना है। चलिए ये ऐसा रहा, प्रोटोनेट हुआ, अब कटास से हम क्या कर देते हैं, H2O रिलीज हो जाएगा, ये बात तो समझ गए, CH2 ये प्लस ऐसा बन गया होगा, और जैसे ही प्लस बने तो रीअरेंजमेंट होगा 1-2 शिफ्टिंग, किस नाम से जानते हैं 1-2 शिफ्टिंग। यदि 1-2 शिफ्टिंग हो तो इस तरह से यहां आ गया, ये 2 डिग्री,
अब होगा रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, रिंग का विस्तार होगा, ये मान लिया जाए इधर की तरफ या इधर की तरफ, दोनों में से कहीं, तो चार मेंबर है ये पांच मेंबर बन जाएगा रिंग। अब यदि इधर की तरफ हम ले गए तो ध्यान दीजिए, जब इधर की तरफ ले गए तो यहाँ निगेटिव और इस निगेटिव, यहाँ निगेटिव से ये पॉजिटिव जुट गया होगा और यहाँ प्लस बना होगा कि नहीं, क्योंकि इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है, तो जहाँ पॉजिटिव होगा जस्ट उसके बगल वाला कार्बन से CH3 अटैच्ड होगा, जहाँ पॉजिटिव होगा जस्ट उसके बगल वाला। अब फिर क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, यानी कार्बोनियम आयन का शिफ्टिंग होगा। अब जैसे ही शिफ्टिंग होगा तो इस तरह से यहाँ पे CH3 ये प्लस आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को एलिमिनेशन कराना है, जो कितने टाइप का प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है। तो यदि हम यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करावें तो इस तरह से ऐसा बन जाएगा CH2, और यदि हम यहाँ से शिफ्ट करावें, यहाँ और यहाँ दोनों सेम टाइप का होगा, तो इस तरह से ये CH3 डबल बॉन्ड ये मेजर बन जाएगा, ये सेटजा प्रोडक्ट होगा, और ये माइनर बन जाएगा, ये हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। तो इससे हम क्या सिखा दिया आपको, जो जहाँ कहीं भी कार्बोनियम आयन, जहाँ कहीं भी कार्बोनियम आयन बनेगा वहाँ पे निश्चित रूप से जो है वे रीअरेंजमेंट का बात होगा ही। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, चलिए इसको पहले नोट कीजिए और नोट करके ट्राई कीजिए, देखिए प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता है। कर लिए हैं ट्राई, चलिए आप तब देखिएगा मेरा वाला, समझ गए, पहले वीडियो को पॉज कर लेना है। तो अब समझिए, यदि H प्लस और हीट दिया जाए, यदि H प्लस और हीट दिया जाए, या H2SO4 कहते हैं, या नहीं तो P2O5 कहते हैं, या नहीं तो Al2O3 कहते हैं, या नहीं तो H3PO3 कहते हैं, तो इस सब में से कोई भी दिया जाए तो डिहाइड्रेशन होगा। अब डिहाइड्रेशन होगा, हाँ, लेकिन HBr भी एसिड है, इस HBr, HCl, HI, HF इस सब का इस्तेमाल नहीं करना है, समझ गए बात को, ये इस्तेमाल किसके रूप में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल, नो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होगा। तो इस तरह से यहां पे जो ये बनेगा प्रोडक्ट ये कैसा बनेगा, एक तो हम इधर से CH2 और दूसरा इस तरह से ये CH3 ऐसा बन जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर, और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, जो दो अलग अलग टाइप का यदि अल्कोहल हो तो उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, ठीक। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। तो सभी केस में डिहाइड्रेशन कराएंगे, डिहाइड्रेशन में H2O रिमूव होगा, इतना बात क्लियर हो गया, सॉरी OH रिमूव होगा, OH रिमूव होगा, और जैसे ही OH रिमूव होगा तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, तो ये बन जाएगा CH3 CH2O+। इसमें यदि बात कीजिएगा तो ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री का, ये इस तरह से बनेगा। इसमें यदि बात कीजिएगा तो देख लीजिए जो इस तरह से बनेगा, ठीक। अब इस तीनों कार्बोनियम आयन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो ये कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का और ये 3 डिग्री का,
यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है तो तीन तीन प्लस आई इफेक्ट है, इसमें दो ही प्लस आई इफेक्ट है और इसमें एक ही प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होने से क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड तो घटेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी जो है ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज। अब इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ सोचिए, तो ये कितने डिग्री का अल्कोहल, ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का और ये 3 डिग्री का, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो होगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन वे सबसे ज्यादा कितने डिग्री अल्कोहल का, तो 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का और इसके बाद 1 डिग्री का। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री का जो कार्बोनियम आयन है, 3 डिग्री अल्कोहल का जो कार्बोनियम आयन है वे 3 डिग्री है और वे क्या है, मोर स्टेबल है। तो जिस केस में कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी जितना ही ज्यादा होगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इसमें अगेन हम एक क्वेश्चन दे देते हैं जो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अब डायरेक्ट सोचना है, पहले आप लोग अपने से ट्राई कर लीजिए जो कितने टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, वीडियो को पॉज करके कर लिए। चलिए अब देखते हैं, तो जैसे ही हम लोगों को H प्लस और हीट हो तो सबसे पहले H प्लस है तो हम क्या बना लेंगे, कार्बोनियम आयन। कहाँ बनेगा, तो जहां OH है वहीं पे कार्बोनियम आयन। कैसे बनता है, तो यहां से H2O रिलीज हो जाएगा, ये प्रोवाइड करेगा। तो अब जैसे ही कार्बोनियम आयन बनेगा तो एक प्रोडक्ट तो यहां से भी बन सकता है, इधर से जो है सो हाइड्रोजन होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ऐसा बन जाएगा CH3। दूसरा यहाँ से भी इस तरह से बन जाएगा, यानी ये जो प्लस है इस प्लस से इधर भी हाइड्रोजन है यहाँ की नहीं है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो दोनों। और एक क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, और जैसे ही रीअरेंजमेंट होगा तो अब तो ये जो कार्बोनियम आयन है ये तो शिफ्ट करके यहां आ जाएगा। अब जब शिफ्ट करके यहां आ जाएगा तो उस सिचुएशन में देखिए जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एक प्रोडक्ट इस तरह से CH2 यहां से हाइड्रोजन खींच करके, और दूसरा प्रोडक्ट यहां से हाइड्रोजन को खींच करके, या तो यहां से या यहां से, दोनों बात क्या है, बराबर है। अब देख लीजिए, ये आपका जैसा कि इसमें बनाए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहने के लिए तो 4 है लेकिन गौर कीजिए सेकंड और फोर्थ दोनों ही क्या है, बराबर है, या तो सेकंड कहिए या फोर कहिए, दोनों बराबर है। अब यील्ड प्रोडक्ट आपको निकालना है, परसेंटेज यील्ड, तो परसेंटेज यील्ड सबसे ज्यादा इसमें कौन सा, तो सबसे ज्यादा हम लोग कहेंगे सेकंड है। क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन सिर्फ अटैच्ड है, उसके बाद देखिए यहां भी इस डबल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और यहां भी 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये रिंग के अंदर है, तो इसीलिए फर्स्ट और उसके बाद हो जाएगा थर्ड। तो इस तरह से डिहाइड्रेशन जो है हम कंप्लीट कर लिए, डिहाइड्रेशन से अब आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट रहा, जो अल्कोहल पे यदि डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाए, जनरली डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिनरल एसिड यानी H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, अब HBr, HCl, HF का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूसरी बात है जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, जो किस में आसानी से डिहाइड्रेशन होगा,
तो जिस केस में कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ एक, यानी जिस तरह से क्लास में बात करते थे, हम बात तो अभी और कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर बर्डन ना हो जाए इस सब बात को भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन याद रखें, जो बार बार पीछे से रिवाइज करते रहिएगा।